अपने माशरे का ये अलमिया बहुत ही दुख के साथ बयान करना पड़ता है कि आजकल वालिदैन को औलाद की शादी की परवाह नहीं होती। खुदा जाने आजकल लोग शादी को क्या समझते हैं, लेकिन शादी नबी अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत है कि जिसकी वजह से इंसान का दीन मुकम्मल होता है, जिसकी वजह से इंसान हया के अंदर रहता है। हैरत इस बात की है कि जहाँ मेरे नबी ने बलूगत की उम्र में शादी का हुक्म दिया और बलूगत की उम्र में शादियाँ करवाईं अपने सामने, वहाँ आज आधी उम्र गुजर जाती है और कोई अपने बच्चों की शादी करने को तैयार नहीं। और आज कल 95% से भी अबव बच्चे शादी से पहले ही गुनाहों में मुलव्वस होते हैं। अगर शादी इतनी ऑर्डिनरी चीज़ होती कि मर्जी होती तो कर ली, नहीं मर्जी तो नहीं की, दिल चाहा तो गुनाह कर लिया और जब दिल चाहा तो शादी कर ली, अगर इतनी ऑर्डिनरी चीज़ होती तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में 11 शादियों की मिसाल देकर गए हैं। हमारे माशरे के सुधार के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वक्त पर शादी हो। जब वक्त पर आपकी शादी हो जाती है तो उससे आगे फिर आप और चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं, जैसे कि अपने मुल्क की तरक्की, अपनी तरक्की। जब आप अपना दीन, अपना वजूद मुकम्मल कर लेते हैं तो आपके पास एक शख्स की नहीं, दो शख्स की फिर ताकत होती है। बीवी शोहर की ताकत होती है, शोहर अपनी बीवी की ताकत होता है।